वो पार्टी की मीटिंग के अंदर ही फैसला हो जाएगा। वो 98 इकट्ठे हो गए, जो जिस शख्स ने गालबन जिस पर मुस्लिम लीगियों का इत्तफाक है या जो सामने आने वाला है उस वो उनको फोन चले गया कि आप इस्लामाबाद पहुंचे, और अगले 200 घंटे जो है ना उसके अंदर अंदर, यानी आप समझ लें कि 31 अक्टूबर के अंदर बाहर, यानी नई वफाकी हुकूमत जो है मुस्लिम लीग के ऊपर और उनके इत्तेहादियों पर मुश्तमिल वो मार्ज वजूद में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, और फिर ये हाँ सारी ये खत्म हो जाएगा और ये कैबिनेट जो बनेगी उसमें इसमें ये जो अजीम चेहरे हैं ये भी मौजूद होंगे या यानी नहीं? नवाज ग्रुप के जो हरकारे हैं उसी ना, बिना इतनी मेहनत करके लोग वजीर बने थे, अब आपको पसंद नहीं आ नहीं रहा नहीं अब पहले से आ रहे हैं ना, है? एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, नहीं ख्वाजा कुछ नए साहब भी तो बने हैं रफी, ना, दानियाल अजीज इनमें से साहब, जो तलाल चौधरी साहब। यानी नहीं जो नए बने हैं वो इधर तलवे चाटेंगे, इनका कोई दीन मजहब थोड़ा है, माफ करना। कल वो परवेज लाई के ये तो जुलूस आप में बड़े सख्त यानी लफ्ज कल यार इस्तेमाल कर रहे तलवार हैं। परवेज लाई के जुलूस में भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे उनके घोड़ों के आगे, छोड़ें इस बात यार को। नाचना एक खुशी का एक्सप्रेशन है, नहीं आप इसको आपका जरूर, लीडर आएगा आप मैंने नाचेंगे। कहा है कि चैप्टर हो गया क्लोज, फर्द अच्छा जुर्म आयद हो गई है, तो यह है कि अब डे टू डे रिकॉर्ड होगा एविडेंस, और यह अच्छा, आप मंथ की शहबाज शरीफ साहब भी आउट है खेल में? जो मुझे नजर आ रहा है आउट। अच्छा, क्या सूबे में रहेंगे ये? अभी तो लगे हुए ना, बोर्ड लगे हुए नहीं हैं, आप आ रहे हैं ना, वजीर आजम और हमजा शरीफ। नहीं डे टू डे, यानी एक तो हदैबिया इंजीनियरिंग वाला केस खुल रहा है, उसमें अच्छा, मरियम भी, कुलसूम नवाज भी, उनके भाई वो भी। कहती है फैसले पहले हो गए हैं, केस कौन से अब्बास में, फैसले हो वो गए कह रही है हैं मरियम। भाईजान, पैसे फैसले फैसले पहले नहीं हुए, पैसा हाँ इकट्ठा पहले किया गया, हाँ लूटा गया, अच्छा, ये मसला है आपका। मतलब ये क्या है कि शबाज शरीफ साहब आज क्यों बरसे हैं नैब पर, क्या नया उनको मरोड़ वो उठा है? नैब के बेस पे लिए बस रहे कि पहली दफा नैब ने किसी बिग फिश को हाथ डाल लिया है नहीं तो डाला है तो पूरी कौम उसके साथ है उसके नैब के, सामने, मैं ये तो अगर कह रहा उन्होंने हूं। ठीक काम किया है। हाँ, और अभी शबाज शरीफ नहीं, साहब को जिनको नहीं मैं जानता शहबाज शरीफ था साहब की स्टोरी पे उनको आ जाए। इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन लेनी नहीं चाहिए, बार वो उस अलहदा नहीं बात है। वो तो ठीक मैंने है, ये कहा है, मैंने दोबारा कह देता हूं, नया वजीर आजम आ रहा है, नया सदर आ रहा है मुस्लिम लीग का, नई क्यादत आ रही है जो अगले इलेक्शन तक हुकूमत करेंगे, और वो अपना आपको बरी जुमा करेंगे उन लोगों से जिनको सजाएं हो गई हैं, नायल चले हो ठीक गए हो हैं, गया, जराएं ये दो पेशा सौ है, घंटे और उनमें चार ये बंदे 200 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे जब हम नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे तो नहीं, पूछेंगे जब फिर। यानी इसमें वो सामने और आ जाएंगी चीजें, ठीक लेकिन है 15 दिन तो लग जाएंगे, 10 दिन ऊपर नीचे, चलो, होना नई हमारा तो हुकूमत पता नहीं की इंस्टॉल, है इस मुल्क में लेकिन लोगों, क्या मतलब मतलब वो सुन ले जान ना। छुट जाएगी इससे हमारी। और इसमें इसहाक डार, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, और ये जो क्या है साद रफीक, ये उसमें नहीं होगा, उस कैबिनेट में नहीं होंगे। यानी चलो और मुमकिन है स्पीकर भी ना रहे क्योंकि ठीक है, ये भी चमचागिरी पर उतरे हुए ना, माफ करना, अच्छा तो इसलिए यानी चौहरी निसार अली या इस तरह का कोई बुर्दबार, या वजीर अजम वो होंगे या स्पीकर होंगे, और वजीर अजम गालबन एक और होंगे या वो सदर लाहौर होंगे, से होंगे, उनको वजीर बुला अजम लिया लाहौर से गया होंगे। है। मैंने कहा यह हतमी इतला दे रहा हूं, नाम नहीं दे रहा, नाम नहीं दे रहा, अच्छा मैं मेरे जाती इलम में है, उन मुस्लिम लीगियों ने कहा कि जी आप पहुंचे, हम मीटिंग करनी अच्छा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये बात तो होगी जरा।